3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट सॉल्यूशन, मतलब निम्न में से जो समीकरण इसने दी है उसमें किस मान के लिए, ए और बी के किस मान के लिए समीकरण के बहुत सारे हल हैं, मैनी सॉल्यूशंस का मतलब अनेक हल हैं, ठीक है, ए और बी के किस मान के लिए समीकरण का अनेक हल हैं। तो इसने जो दिया है उसी को हम फॉलो करेंगे। पहले तो हम देखेंगे A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है। A1 आपका 2, B1 आपका 3 और C1 आपका 7। A2, B2 और C2, A2 A-B, B2 A+B और C2 3A+B और -2। तो इसने जैसे कहा फॉर मैनी सॉल्यूशंस में क्या क्या होता है, अनेक हल के लिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं, A1 की जगह 2, A2 की जगह A-B, B1 की जगह 3, B2 की जगह A+B, C2 की जगह 7 और इसकी जगह 3A+B और -2। अब इसको इसके इक्वल मानेंगे और इसको इक्वल लेकर चलेंगे। पहले पार्ट को लेकर चल रहे हैं, 2A-B इजकल टू 3A+B। थोड़ा इधर ले लेते हैं हम, 2A-B और 3A+B, ये मैंने अजीब चीज उतार दी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी साइड और इसकी साइड, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3A-B, इसकी मल्टीप्लाई में 2A+B, इसकी मल्टीप्लाई 3A, -3 के अंदर 3B, इसकी मल्टीप्लाई में 2A, 2 की 2B, A एक तरफ ले लेंगे, 3A, UA है इस साइड में माइनस में आ जाएगा, 2B ये साइड के में आ गया प्लस में आ गया, तो क्या बच गया, A इजकल टू क्या बच जाता है आपका 5B। ए क्वेश्चन नंबर आपको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इक्वल लेकर चलेंगे, 3 अपॉन में A+B और 7 3A+B और -2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी साइड इसकी साइड, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 7A प्लस इसकी मल्टी 7B, 7 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी, इसमें भी कर दी, 3 की मल्टीप्लाई 3 या 9A, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3B प्लस है और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 2 6। अब ये सारी वैल्यूज एक तरफ ले लो, 7A प्लस 7B माइनस 9A और -3B इजकल टू क्या आपका माइनस का 6। 7 में से ये 9 गया, माइनस का 2A बच जाता है, माइनस के ज़्यादा हैं, ये प्लस का 4 बच गया, और 4B इजकल टू माइनस का 6। और इक्वेशन में इसने खुद कहा यहाँ पर क्या है, A इजकल टू 5B है, तो -2A की जगह क्या रख दो, 5B प्लस का 4B इजकल माइनस का 6, -5 2 10B आ गया, प्लस का 4B इजकल टू माइनस का 6, या माइनस का 4B आपका बच जाता है, माइनस का 6B, क्योंकि माइनस के 10 और प्लस के 4, माइनस के 6 बच गया, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 6/6 1। तो बी की वैल्यू आपको मिल जाती है 1, और जब बी का मान रखते हैं हम समीकरण 3 में, ए इजकल टू 5B यहाँ था, ए इजकल टू 5B की जगह 1, तो ए इजकल टू क्या आ जाता है 5। इस तरह से क्या है आपको, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1। तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1 के लिए इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मैनी सॉल्यूशंस हो जाता है, मींस अनेक हल हो जाते हैं इसके। का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मींस जैसे पहला पार्ट था सेम पार्ट सेकंड भी इसका ऐसे ही है, बस इसने पहले पार्ट में क्या पूछा था, अनेक हल, और यहाँ पर इसने पूछा कि कोई हल नहीं है, किसके मान के लिए, के मान के लिए। तो इसने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो इक्वेशन इसने दी है, पहले A1 A2 और A1 B1 C1 A2 B2 और C2, इनकी वैल्यूज हम चेक करेंगे क्या है, A1 की जगह 3, B1 की जगह 1 और C1 की जगह भी आपका 1 है। A2 की जगह 2K-1 है और K-1 है और इसकी जगह 2K+1। इस तरह से हमें A1 B1 C1 C2 की वैल्यू आ जाती है। अब इसने कहा फॉर नो सॉल्यूशन, तो फॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 ये तो आपके बराबर माने जाते हैं, माने मतलब होते हैं,
और लेकिन सी वन अपॉन सी टू आपका बराबर नहीं होता। तो हम इसी कोटेशन को फॉलो करेंगे, इसी कोटेशन में जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ए वन की जगह क्या रखते हैं हम 3, ए टू की जगह रखते हैं 2k-1 इजकल टू बी वन की जगह आपका 1 और बी टू की जगह k-1, सी वन की जगह आपका क्या 1 और सी टू की जगह 2k+1। हमने इसकी जब वैल्यू रखी तो हमें ये मिल जाता है, यहाँ पर क्या रखेंगे इक्वल नहीं है, तो इसको इसके इक्वल ले लेते हैं, इसको इक्वल इसके इक्वल ले लेते हैं क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है बस। तो क्या करेंगे 3 2k-1 इजकल टू 1k-1 इसको इक्वल ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी साइड इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2k-1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3k-3 के एक तरफ 2k ये साइड माइनस में आ जाता है और -3 ये माइनस का इस साइड प्लस में आ जाता है, माइनस का k बच गया, माइनस का यहाँ 2 सा 2 कैंसिल, माइनस से माइनस का क्या माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाता है तो k की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है। तो k की वैल्यू क्या है 2। अगर k की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें तो इस 2 को रख देने से इस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होता, मीन्स नो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का प्राप्त